जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल दोस्तों, कुछ ही दिन अब शेष बचे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट जीके की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इससे हम पॉलिटिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार से संबंधित 50 प्रश्नों को कवर किया था और आज के वीडियो में हम आगे के सभी बचे हुए प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वर्णित है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 24 आपको याद रखना है, जो आर्टिकल 24 है, ये बच्चों के जो शोषण से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम हो। तो देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कम से कम 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। दोस्तों, कितने समय के अंदर उपस्थित करना होगा यह हमें बताना है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं, वो सभी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 57, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं, इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों, यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, अनुच्छेद 20 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी अधिकार, यानी कि गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार होगा उसे, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार होगा, इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार भी उसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 30 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की जो है यहां पर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किस से है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3, ये सभी तथ्य क्या है, बिल्कुल सही, यानी कि धर्म प्रचार का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, इसके अतिरिक्त राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का भी इन्हें अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो ये तीन अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 63, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 64, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो दोस्तों यहां पर देखेंगे स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। ठीक है, उत्तर निम्नलिखित कोडों में से चुनिए। तो क्वेश्चन 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी 1, 2 और 3, यानी कि स्वास्थ्य, सदाचार तथा लोक व्यवस्था, ये सभी क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 व 30 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 30 में जो है ये प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, यानी कि आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में और जब सैनिक विधि लागू हो, इन सभी परिस्थितियों में जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये निलंबित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसे न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, समादेश यानी कि रीट को। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? परमादेश, अधिकार पृच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यहां पर बात की जा रही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के समादेश या रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस या किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के उच्च न्यायालयों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, चलिए देखेंगे यहां पर ऑप्शन है, केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, अथवा निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो दोस्तों यहां पर सही उत्तर का हमें चयन करना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा जो है दाखिल की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो
तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका है ये किस स्थिति में जारी की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस याचिका या रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, परमादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को क्या कहा जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, परमादेश। क्वेश्चन 83 है, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करें क्या कहलाती है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परमादेश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस लेख या रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो दोस्तों आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, ठीक है, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 85, ऐसी एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रकार की जो रीट है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी मैंडेमस, ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्प्रेक्षण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी कि अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, इसके अतिरिक्त नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर एवं अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विदित त्रुटि के आधार पर, ये सभी जो इसके राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन देखेंगे, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए ये जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकता का अधिकार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है ये क्या है, कानूनी अधिकार है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 94 है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है यह क्या है हमें बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विधिक अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों प्रश्न बार बार पूछा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 300 में जो है इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है वो कौन से है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे समता का अधिकार, तो दोस्तों समता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। वाक स्वातंत्र्य का अधिकार, तो दोस्तों इसका जो वर्णन है हमें अनुच्छेद 19 में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो दोस्तों धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो दोस्तों इसका जो प्रावधान है ये किया गया है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन सी कूट 1, 4, 2, 3 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 101, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़ताल करने की आजादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मूल अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 2, 3 और 4। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4, इन सभी अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता का अधिकार हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किसमें निहित है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकार ना होकर क्या है, ये विधिक अधिकार है। तो दोस्तों ये था हमारा महत्वपूर्ण सेशन जो कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट से संबंधित था। दोस्तों ये टॉपिक आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हम लूसेंट जीके की जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव बुक है इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए आपका जो जीके का जो पोर्शन है वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।